हेलो फूडीज, वेलकम टू आरती'स किचन। आज हम बनाएंगे एक बहुत ही फेमस ब्रिटिश ब्रेकफास्ट रेसिपी, क्लासिक बेल्जियन वॉफल्स। तो चलिए देखते हैं क्लासिक बेल्जियन वॉफल्स कैसे बनते हैं। सबसे पहले हम एक बोल में करीब आधा कप पानी लेंगे, उसमें आधा कप दूध मिलाए, कुछ ड्रॉप्स वनीला एसेंस ऐड करें और सबसे आखिर में एक टेबलस्पून विनेगर ऐड करें और इस मिक्सचर को करीब 5 से 10 मिनट के लिए रेस्ट होने दें ताकि इसका टेक्सचर बटर मिल्क की तरह आए। अब एक दूसरे बोल में हम हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स मिक्स कर लेंगे। सबसे पहले हमने यहाँ पे लिया है करीब 1 कप जितना मैदा, उसमें हम ऐड करेंगे करीब आधा कप कैस्टर शुगर। अगर आपके पास कैस्टर शुगर अवेलेबल नहीं है तो आप हमारे नॉर्मल चीनी को मिक्सर ग्राइंडर में खुरदरा पीस लें और वो ऐड करें, या तो आप पाउडर्ड शुगर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट हम ऐड करेंगे करीब 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। नेक्स्ट हम ऐड करेंगे करीब आधा कप जितना तेल और जो मिल्क का मिक्सचर हमने ऑलरेडी प्रिपेयर करके रखा था वो ऐड करेंगे। मिल्क का मिक्सचर हमें बैचेस में ऐड करना है। सबसे पहले आधा मिक्सचर ऐड करें, एक स्पैचुला से हमारे इंग्रेडिएंट्स को फोल्ड करें। हमें इसका एक थिक बैटर प्रिपेयर कर लेना है। ध्यान रखें कि हमारा बैटर एकदम पतला ना हो। अब हम बाकी का बचा हुआ मिल्क का मिक्सचर ऐड कर लेंगे और इसे वापस फोल्ड करेंगे एक स्पैचुला से। अब एक विस्क की मदद से हम सभी इंग्रेडिएंट्स को कंबाइन कर लेंगे और एक बैटर फॉर्म करेंगे, एक थिक बैटर कुछ इस तरह का। अब देख सकते हैं हमारा बैटर अब रेडी है। हमने यहाँ पे यूज़ किया है एक स्टोव वाफल मेकर। तो वाफल मेकर को हम सबसे पहले ऑयल से ब्रश कर लेंगे दोनों तरफ से। इसे अच्छी तरह से ऑयल से ब्रश कर लेना है हमें। ऑयल से ब्रश करने के बाद उसे थोड़ी देर के लिए प्रीहीट कर ले और फिर हमें इसमें हमारा बैटर ऐड करना है वाफल का। करीब 3/4 कप बैटर हर बैच में ऐड होगा। इक्वली बैटर ऐड करें चारों साइड्स पे और वाफल मेकर को बंद कर ले। यहाँ पर हम एक स्टोव वाफल मेकर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें हमारा वाफल मेकर रोटेट करते रहना पड़ेगा, एक ही साइड पे नहीं रखना है हमें उसे। या तो हमारा वाफल जो है वो एक साइड से ज़्यादा ब्राउन हो जाएगा, एक साइड से कम ब्राउन, इसीलिए। और कुछ देर बाद हमें इसे चेक करना है। आप देख रहे हैं हमारा वॉफल अब रेडी तो है, पर अगर आपको वॉफल थोड़ा और ब्राउन चाहिए तो उसे थोड़ी देर और कुक कर ले। हाँ, आप देख सकते हैं हमारे वॉफल्स पे अब एक ब्राउन टेक्सचर आ गया है। आप चाहे तो इसे और ब्राउन कर सकते हैं। तो गाइज, हमारे वॉफल्स अब रेडी है। एक फोक या कोई भी स्पून की मदद से हम हमारे वॉफल्स को निकाल लेंगे। उस वॉफल्स को हमने बीच में से कट कर लिया है। कैस्टर शुगर स्प्रिंकल कर ले इस पे। अब सर्व करने के लिए हमने यहाँ पे यूज़ किया है चॉकलेट सिरप। आप चाहे तो मेपल सिरप या हनी या बटर, किसी भी चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो गाइज, रेडी है हमारे क्लासिक बेल्जियन वॉफल्स। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और अगर आपको कोई रेसिपी रिकमेंड करनी हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।